Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. So last lecture humne aapka first chapter jo tha wo complete kar liya tha aur aaj hum second chapter aapki textbook ka start karne wale hain, the gift of chappals. Okay, chappals means wahi jo aap jante ho jin chappals ko, wahi chappals ki baat ki ja rahi hai jo slippers hum pehante hain daily. उन्हीं चप्पल्स की बात की जा रही है इसमें. तो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स मीन्स यानी स्लीपर्स वो किसी को गिफ्ट करेंगे इस चैप्टर में. तो इसकी स्टोरी को एक बार अपन ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद में हम चैप्टर रीड करेंगे. सो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं. तो इसमें ये कहानी है पूरी की पूरी, एक छोटी बच्ची है मिर्दू नाम की जो कि अपने दादा दादी के साथ में रहती है. ओके, मद्रास की स्टोरी है. मद्रास जो जिसका जो आजकल हम जिसको चेन्नई के नाम से जानते हैं वहाँ की स्टोरी है. तो वो अपने दादा दादी के साथ में रहती है. तो एक बार उसकी दादी जो है उसको उसकी जो आंटी है रुकमणि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसकी आंटी है ये जो इनके यहाँ पर उनके कज़न्स से मिलने के लिए छोड़ के आ जाती हैं मिर्दू को. तो मिर्दू जो है उसकी आंटी के यहाँ पर आई हुई है और रवि, मीना और लल्ली ये इसके कज़न्स हैं जो इसकी आंटी के बच्चे हैं. एंड यहाँ पर एक कैरेक्टर आपका आने वाला है लल्ली का जो मास्टर है. लल्ली वायलिन सीख रही है तो वायलिन मास्टर उसको सिखाने के लिए आता है, वो अब यहाँ पर आने वाला है. और इसी चैप्टर के अंदर आपको एक बेगर आएगा जिसको ये चप्पल गिफ्ट करते हैं. ओके, सो ये इन लोगों की स्टोरी है, कैरेक्टर्स आने वाले हैं. तो इसका एक बार मैं हिंदी में ओवरव्यू आपको बता देता हूँ. इसमें सबसे पहले ये कहानी जो है सारी की सारी मिर्दू के इर्द गिर्द घूमती है. यानी मिर्दू एक छोटी लड़की है जो यहाँ पर अपनी आंटी के यहाँ पर आई हुई है और अपने जो कज़न्स हैं उनके साथ में खेल रही होती है. ओके, तो थोड़ी सी स्टोरी इन्हीं के बीच में चलती है कि वो क्या क्या खेलते हैं, कहाँ जाते हैं. एक कैट उनके पास में होती है तो उस कैट को वो पालते हैं, वहाँ पर उसको दूध पिलाते हैं, ठीक है, मिल्क उनको रखते हैं कोकोनट के उसमें डब्बे में. तो इस तरह से उनकी बहुत सारी स्टोरी चलती रहती है. फिर बीच में एक मोड़ आता है जहाँ पर एक बेगर आता है उनके घर पर. तो उसी के बीच में वो जो है लल्ली का मास्टर, लल्ली जो है उसकी बड़ी कज़न है, वो वायलिन सीख रही होती है. तो मास्टर जो है उसका वायलिन सिखा रहा होता है उसको, ठीक है. तो उस मास्टर के बारे में भी थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर किया गया है कि उस मास्टर का हुलिया कैसा होता है, उसके लंबे बाल कानों तक आए हुए होते हैं, बहुत कम बाल उसके सर पर होते हैं. जैसे वायलिन मास्टर नॉर्मली होते हैं तो उसी टाइप के वायलिन मास्टर हैं. तो उसी की तरह तो वायलिन मास्टर अच्छे से सिखा रहा होता है, फिर लल्ली उसमें उसको परेशानियाँ होती हैं. तो वो सब उसमें जो है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है चैप्टर के अंदर. तो उसको हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. उसके बाद में यहाँ पर जो मेन स्टोरी का मेन पॉइंट जो आता है वो आता है एक बेगर के आने पर. जो एक भिखारी आता है वहाँ पर उनका घर पे मांगने के लिए, तो वहाँ पर उसकी जो माँ होती है यानी मिर्दू की जो आंटी होती है वो उनसे चिल्लाकर बोलती हैं कि भिखारी है जिसको भगाओ यहाँ पर, ये रोज़ रोज़ आ जाता है और इसको मैं नहीं चाहती है कि बार बार यहाँ पर आए, ठीक है. तो इसको कई बार हमने जो है दे दिया है और अब जो है ये डेली इसने लत लगा ली है, रोज़ के रोज़ आने लग गया है. तो उसको जो है भगाने के लिए बोलती है बच्चों को. तो वो बेगर जो है वहाँ पर उनके गार्डन जो होता है वहाँ पर लेटने वाला होता है पेड़ के नीचे. तो इतने में वो बच्चे जब जाके उसको बोलते हैं तो वो बोलता है कि उसको बुलाया जाए, उसकी माँ को बुलवाओ. तो फिर वो मना कर देती है, वहीं से चिल्ला के बोलती है कि अब नहीं है कुछ भी खाने के लिए. तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी देर यहाँ पर आराम करना है पेड़ के नीचे, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मेरे पैरों में जो है वो छाले पड़ गए हैं, ठीक है, तो नंगे पैर में घूम रहा हूँ, मेरे पास चप्पल भी नहीं है, तो वहाँ पर मुझे थोड़ी देर आराम करने दो फिर मैं चला जाऊँगा. तो इस तरह से उनके बीच में बातचीत होती है. फिर बच्चे उसको देखते हैं, बच्चे उस पर बेगर पे जो है बहुत ज़्यादा तरस खा जाते हैं. बच्चों का दिल ऐसा होता ही है कि बच्चे मतलब बहुत जल्दी उसमें दयालु होते हैं एक तरीके से. बच्चे मतलब बहुत जल्दी दया आ जाती है किसी के ऊपर. तो वो भिखारी के ऊपर उनको दया आ जाती है कि ये देखो कितना मतलब बेचारा, इसके पैरों में छाले पड़े हुए हैं और कैसे परेशान हो रहा है. ओके, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो मिर्दू और रवि, मीना ये तीनों के तीनों खेल रहे होते हैं तो इनको उन पर उस पर दया आ जाती है, तरस आ जाता है. तो वो क्या करते हैं कि क्यों ना हम इसको जो है भिखारी को कुछ कहीं से चप्पल्स ला के दें, कहीं से ढूंढ के ला दें. चप्पल अपने घर में कहीं ना कहीं होंगी, मतलब ख़राब चप्पल जो पड़ी होंगी वो इसको ला के दे दें ताकि इसके पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे. तो यही सोच के वो घर में चप्पल ढूंढने जाता है. रवि जाता है तो रवि या फिर मिर्दू जो भी है तो वो चप्पल ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनको कहीं भी चप्पल नहीं मिलती. लेकिन अचानक से एक चप्पल पर उनकी निगाह पड़ती है. तो वो चप्पल को देखते हैं तो वो थोड़ी बहुत भद्दी सी और टूटी फूटी सी ऐसी हुई रहती है, लेकिन फिर भी काम चलाने लायक होती हैं वो चप्पल. तो वो सोचते हैं कि यही एक बड़ी चप्पल हमें दिख रही है घर में, तो वो उन चप्पल को ले जाके और उस भिखारी को गिफ्ट कर देते हैं कि ये लो जो भी आप जो है इसको इनको पहन के अब आपके छाले नहीं पड़ेंगे, आपके पैर नहीं दुखेंगे. तो वो जाके उनको गिफ्ट कर देते हैं उसको चप्पल्स को. फिर उसके बाद में पता चलता है कि वो जो चप्पल होती हैं वो इस लल्लीज मास्टर जो होता है
जो वायलिन मास्टर होता है इनकी वो चप्पल होती है, और वहाँ पर उनको पता चलता है बाद में, वो ढूंढते हैं कि चप्पल कहाँ चली गई मेरी, तो वो पूरे घर में शोर हो जाता है कि ये तो चप्पल, मतलब कौन चप्पल ले गया, किधर चली गई। तो उसकी माँ जो होती है, आंटी होती है मृदु की आंटी, वो भी ढूंढती हैं घर में चप्पल की, चप्पल कहाँ चली गई इनकी। तो पूरे घर में ढूंढने के बाद, सब जगह घूमने फिरने के बाद में उनको कहीं भी चप्पल जब नहीं मिलती, सब बच्चों को बोल देती है कि पूरे घर में ढूंढो, तो कहाँ कहीं पर भी जब चप्पल नहीं मिलती और वो सब परेशान हो जाते हैं, तो मृदु जो है उसको रोते हुए बोल देती है उसकी आंटी को कि हमने जो है वो ऐसी, मतलब हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था ये मास्टर की चप्पल है, तो हमने उनको गलती से भिखारी जो आया था उसको दे दी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में उसकी आंटी उनको कुछ भी नहीं कहती है, और उसको जो है मास्टर के लिए उसके गोपू मामा की चप्पलें पड़ी हुई होती हैं घर पर, तो उसको जो है वो कहती है कि चलो ये गोपू मामा की चप्पल है, वो बहुत नई, बिल्कुल अभी लेके आए थे जस्ट, तो नई चप्पलें उनको जो है लल्ली के मास्टर को वो देती हैं कि ये आप पहन लो, आई एम सॉरी, मतलब जो भी सॉरी वॉरी बोलती हैं उनको कि हमारे बच्चे बहुत नटखट हैं तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप जो है ये नई चप्पलें बिल्कुल ये आप रख लीजिए, तो उसके लिए अब और उसके लिए क्षमा मांगती हैं उससे, और वो ले लेता है, लेकिन बुरे से मन से, वो एक तरीके जैसे होता है ना कि जानबूझ के, मतलब बुरा दिखाना कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो हालांकि उसको उसकी जो चप्पल थी वो बिल्कुल टूटी फूटी सी थी और नई चप्पल मिल रही है, फिर भी लेकिन वो क्या करता है, थोड़ा सा बुरा सा चेहरा बना के उनको रख लेता है, चलो ठीक है अब क्या करें, अब नंगे पैर तो मैं जाऊँगा नहीं, तो कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा, वैसे मेरी चप्पल ऐसी थी वैसी थी, इस तरीके से वो सारी चीज़ें कर कुरा के उनको ले लेता है, फिर उसके बाद में चला जाता है। तो फिर उसकी मम्मी जो है वो थोड़ी सोच में पड़ जाती हैं कि अब मैंने इनको दे तो दिया, अच्छा हुआ जो गोपू मामा जो थे वो चप्पल पहन के नहीं गए ऑफिस, तो वो छोड़ गए, इसलिए टाइम पर हमें चप्पल मिल गई, और उसके लिए वरना वो शोर कर देते या फिर बहुत गलत हो जाता, तो अच्छा हुआ जो टाइम पर हमें चप्पल मिल गई। तो इस तरह से वो शुक्र भी मनाती है, और उसके बाद में उसको टेंशन भी होती है कि अब गोपू मामा को वो क्या बोलेंगी, और इस तरीके से। तो यहीं पर ऐसे इस कहानी का एंड होता है। तो यही सब कुछ इस कहानी में था। ओके, तो ये स्टोरी थी छोटी सी एक बच्ची की, जो कि आपको हिंदी में मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका टेक्स्ट पार्ट जो है मैं रीड करवाऊंगा, और उसके क्वेश्चन आंसर्स और मीनिंग्स वगैरह सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।